जय श्री हरि विष्णु, जय सीताराम। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वॉइस ट्रांसलेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो बच्चों, आज हम जानेंगे वॉइस ट्रांसलेशन के बारे में, वॉइस ट्रांसलेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो बच्चों, आज हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का वॉइस में किस तरह से ट्रांसलेशन माना जाता है। तो चलिए बच्चों, जानते हैं पहचान। तो बच्चों, सबसे पहले इसका पहचान देखेंगे, पहचाने क्या तरीका है। पहचान, इसमें हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, इसमें हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे इत्यादि लगा रहता है। यानी इसमें हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे इत्यादि लगा रहता है। स्ट्रक्चर, तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, बनावट बनाने का तरीका है। एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस हैड, हैड का प्रयोग कर देंगे, प्लस बीन, इसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, प्लस भी थ्री भाग का दिशा लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या वर्ड। यानी इसका जो फॉर्मूला होगा वो इस प्रकार होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस हैड, सभी के साथ हैड का प्रयोग कर देंगे, प्लस बीन, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, प्लस भी थ्री भाग का दिशा लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या वर्ड। अगर नेगेटिव सेंटेंस रहे, नहीं प्लस सेंटेंस, इसका फॉर्मूला होगा, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस हेड, सभी के साथ हेड का प्रयोग कर देंगे, प्लस नोट, उसके बाद नोट का प्रयोग करेंगे, प्लस बीन, उसके बाद बीन का प्रयोग कर देंगे, प्लस भीतरी भाग का तीसरा रूप लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या वर्ड। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे, क्या होगा सेंटेंस, इसका फॉर्मूला होगा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेड, सबसे पहले हेड का प्रयोग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस बीन, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, प्लस भी थ्री भाग का तीसरा रूप लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होगा इस प्रकार होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो हेड का प्रयोग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे, प्लस बीन, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, प्लस भी थ्री भाग का तीसरा रूप लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। और इस तरह के वाक्य में, इस तरह के ट्रांसलेशन में सब्जेक्ट स्वयं कोई भी काम नहीं करता, यानी वॉइस के जितने भी ट्रांसलेशन होते हैं उसमें सब्जेक्ट स्वयं कोई भी काम नहीं करता है, बल्कि सब्जेक्ट पर ही कार्य किया जाता है, सब्जेक्ट पर ही दबाव डाला जाता है। तो चलिए बच्चों, एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। एग्जाम्पल नंबर वन, हम लोगों को पढ़ाया जा चुका था, इसमें क्रिया के अंत में जा चुका था लगा हुआ है और पढ़ाना क्रिया है, इसमें हमारा सब्जेक्ट है हम लोगों, तो इसमें सब्जेक्ट किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर रहा है, किसी और के द्वारा पढ़ाया जा चुका था, हम लोगों को पढ़ाया जा चुका था, यानी किसी और के द्वारा, इसमें सब्जेक्ट स्वयं कोई भी काम नहीं कर रहा है, किसी और के द्वारा सब्जेक्ट पर दबाव डाला जा रहा है। इस फॉर्मूला में बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम लोगों, हम लोगों की मीनिंग लिखेंगे वी, उसके बाद हेड का प्रयोग कर देंगे, सभी के साथ हेड लगा देंगे, उसके बाद बीन का प्रयोग करते हैं, बीन लगा देंगे यहां पे, उसके बाद वी थ्री का प्रयोग करेंगे, भाग का तीसरा रूप लगाएंगे, पढ़ाना की मीनिंग लिखेंगे टीच टाउट, टाउट क्या लिखेंगे टाउट, वी हैड बीन टाउट, इस तरह बनाएंगे। यानी वॉइस के जितने भी ट्रांसलेशन होते हैं उसमें सब्जेक्ट स्वयं कोई भी काम नहीं करता है, बल्कि सब्जेक्ट पर ही कार्य किया जाता है, सब्जेक्ट पर ही दबाव डाला जाता है। और इसका फॉर्मूला, अगर सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हेड का प्रयोग करेंगे, सभी के साथ हेड का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर कुछ भी रहे सभी के साथ हेड का प्रयोग करेंगे, प्लस बीन, उसके बाद बीन का प्रयोग कर देंगे, प्लस वी थ्री भाग का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, भाग का तीसरा लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या वर्ड। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं और भी एग्जाम्पल बहुत सारा देख लेते हैं। अपराधियों के द्वारा बैंक लूटा जा चुका था, इसमें क्रिया के अंत में जा चुका था लगा हुआ है और लूटना क्रिया, इसमें हमारा सब्जेक्ट है बैंक, बैंक हमारा सब्जेक्ट है। अपराधियों के द्वारा, इसका काम लास्ट में करेंगे, जिसमें द्वारा लगा रहा था उसका काम लास्ट में करते हैं, अपराधियों के द्वारा इसका काम लास्ट में, हमारा सब्जेक्ट है बैंक, यहां से बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द बैंक, इसके बाद हेड का प्रयोग करेंगे, सभी के साथ हेड लगा देंगे, चाहे सब्जेक्ट के स्थान पे कुछ भी रहे सभी के साथ हेड का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे बीन,
उसके बाद वी थ्री का प्रयोग करेंगे, भाग का तीसरा अंक लगा देंगे, लूटना के मीनिंग लिखेंगे वी थ्री लूटेड, द बैंक हैड बीन लूटेड के द्वारा की मीनिंग लिखेंगे बाय, अपराधियों अपराधियों की मीनिंग लिखेंगे क्रिमिनल्स सी आर आई एम आई एन एल एस, द बैंक हैड बीन लूटेड बाय क्रिमिनल्स, इस तरह बनाएंगे, गरीबों की सहायता की जा चुकी थी, इसमें क्रिया के अंत में जा चुकी थी लगा हुआ है और सहायता करना क्रिया है, इसी फॉर्मूला पे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे गरीबों, हमारा सब्जेक्ट है गरीबों की मीनिंग लिखेंगे द पुअर, द पुअर इसका सिंगुलर पुअर सेम होता है पुअर का, द पुअर उसके बाद हेड का प्रयोग करेंगे, सभी के साथ हेड का प्रयोग करते हैं प्लस बीन, बीन का प्रयोग कर देंगे बीन, उसके बाद सहायता करना की मीनिंग लिखेंगे भीतरी लगा देंगे हेल्प, द पुअर हैड बीन हेल्प, इस तरह बनाएंगे, गरीबों की सहायता नहीं की जा चुकी थी, ये नहीं निगेटिव सेंटेंस है, नहीं वाला सेंटेंस है, इसमें नहीं लगा हुआ है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं गरीबों, गरीबों की मीनिंग लिखेंगे द पुअर, ये वर्ड जो है सिंगुलर भी है प्लुरल भी दोनों है, द पुअर उसके बाद हेड का प्रयोग करेंगे, यानी पुअर का सिंगुलर भी पुअर होता है और प्लुरल भी पुअर ही होता है, द पुअर हेड उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहां पे नहीं लगा हुआ है, निगेटिव सेंटेंस है, तो इसके पहले हेड के बाद नोट का प्रयोग करेंगे, हेड के बाद नोट लगा देंगे नहीं की मीनिंग, उसके बाद बीन लगाएंगे, द पुअर हैड नोट बीन, उसके बाद वी थ्री का प्रयोग करेंगे, सहायता करना की मीनिंग लिखेंगे हेल्प, द पुअर हैड नोट बीन हेल्प, इस तरह बनाएंगे, क्या गरीबों की सहायता की जा चुकी थी, इसमें क्रिया के अंत में जा चुकी थी लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, सबसे पहले हेड का प्रयोग कर हेड को आगे कर देंगे हेड, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे गरीबों, हेड द पुअर, गरीबों की मीनिंग लिखेंगे पुअर, हेड द पुअर उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे बीन, उसके बाद भीतरी का प्रयोग करेंगे, सहायता करना की मीनिंग लिखेंगे हेल्प्ड, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, हेड द पुअर बीन हेल्प, इस तरह बनाएंगे, गरीबों की सहायता क्यों की जा चुकी थी, यहाँ पे क्यों लगा हुआ है, इस तरह के वाक्य में इस तरह के ट्रांसलेशन अगर बीच में कब क्यों कहां कैसे बीच में लगा रहे तो यही बनाएंगे, पहले क्यों की मीनिंग लिखेंगे, क्यों की मीनिंग लिखेंगे व्हाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद हेड का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे गरीबों की मीनिंग लिखेंगे द पुअर, पुअर जो वर्ड है ये सिंगुलर भी है प्लुरल भी है दोनों ये है, व्हाई हैड द पुअर, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद भीतरी का प्रयोग करेंगे, सहायता करना की मीनिंग लिखेंगे हेल्प, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, व्हाई हैड द पुअर बीन हेल्प, इस तरह बनाएंगे, तो चलिए बच्चों और भी आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं, लोगों के द्वारा सांप को मारा जा चुका था, इसमें क्रिया के अंत में जा चुका था लगा हुआ है और मारना क्रिया है, लोगों के द्वारा इसका काम लास्ट में करेंगे, जिसमें द्वारा लगा रहेगा उसका काम लास्ट में करेंगे, हमारा सब्जेक्ट है सांप, यहां से बनाएंगे सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले सांप, द स्नेक, उसके बाद हेड का प्रयोग करेंगे, हेड लगा देंगे, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर कुछ भी रहे सभी के साथ हेड का ही प्रयोग करेंगे, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे बीन, उसके बाद भीतरी का प्रयोग करेंगे, मारना के मीनिंग लिखेंगे किल्ड, उसके बाद के द्वारा की मीनिंग लिखेंगे बाय, लोगों लोगों की मीनिंग लिखेंगे द पीपुल, पीपुल का सिंगुलर भी पीपुल ही होता है और प्लुरल भी पीपुल ही होता है, द स्नेक हैड बीन किल्ड बाय द पीपुल, इस तरह बनाएंगे, क्या लोगों के द्वारा सांप को मारा जा चुका था, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, तो हेड को आगे कर देंगे, सबसे पहले हेड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, हमारा सब्जेक्ट है सांप, हेड द स्नेक, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, बीन लगाएंगे, उसके बाद बी थ्री का प्रयोग करेंगे, मारना की मीनिंग लिखेंगे किल्ड, के द्वारा की मीनिंग लिखेंगे बाय,
उसके बाद लोगों की मीनिंग लिखेंगे द पीपुल। क्वेश्चन मार्क दे देंगे, हैड द स्नेक बीन किल्ड बाय द पीपुल, इस तरह बनाएंगे। विद्यार्थियों के बीच किताबें बांटी जा चुकी थी, इसमें क्रिया के अंत में जा चुकी थी लगा हुआ है और बांटना क्रिया है, इसमें हमारा सब्जेक्ट है किताबें। विद्यार्थियों के बीच का काम लास्ट में करेंगे, इसमें लगा हुआ के बीच, तो विद्यार्थियों के बीच का काम लास्ट में करेंगे, हमारा सब्जेक्ट है किताबें, यहां से बनाएंगे, ये हमारा सब्जेक्ट है, लिखेंगे बुक्स। उसके बाद हेड का प्रयोग करेंगे, यानी सब्जेक्ट के स्थान पे कुछ भी रहे सभी के साथ आगमन करके हेड का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, बीन। उसके बाद भीतरी का प्रयोग करेंगे, भगवत हिसाब लगाएंगे, बांटना के मीनिंग लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड, भीतरी लगा देंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड बुक्स हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। के बीच की मीनिंग लिखेंगे एमोंग, के बीच की मीनिंग लिखेंगे एमोंग। उसके बाद विद्यार्थियों की मीनिंग लिखेंगे द स्टूडेंट्स, सर बनाएंगे। बुक्स हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एमोंग द स्टूडेंट, सर बनाएंगे। क्या विद्यार्थियों के द्वारा किताबें बांटी जा चुकी थी, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, हेड को लिखेंगे सबसे पहले, हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट है किताबें, तो किताबें की मीनिंग लिखेंगे बुक्स। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, यहां बीन लगा देंगे। उसके बाद भीतरी का प्रयोग करेंगे, बांटना की मीनिंग लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड, भीतरी लगा देंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड हैड बुक्स बीन डिस्ट्रीब्यूटेड के द्वारा, या के द्वारा लगा, के द्वारा की मीनिंग लिखेंगे बाय। उसके बाद विद्यार्थियों की मीनिंग लिखेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन मार्क दे देंगे, हैड बुक्स बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय स्टूडेंट, इतना बनाएंगे, यानी के द्वारा की मीनिंग लिखेंगे बाय और के बीच की मीनिंग लिखेंगे अमोंग। हरे पेड़ क्यों काटे जा चुके थे, यहाँ पे क्यों लगा हुआ है, हरे पेड़ क्यों काटे जा चुके थे, इसमें क्रिया के अंत में जा चुके थे लगा हुआ है और काटना हमारा क्रिया है, तो यहाँ पे क्यों लगा हुआ, इस तरह के टाइलेंस में अगर बीच में कब क्यों कहाँ कैसे क्या लगा रहे हैं, तो यहीं से बनाएंगे, पहले क्यों की मीनिंग लिखेंगे व्हाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हेड का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, हमारा सब्जेक्ट है हरे पेड़, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो लिखेंगे ग्रीन ट्रीज। व्हाई हैड ग्रीन ट्रीज, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, सभी में बीन का प्रयोग करते हैं, व्हाई हैड ग्रीन ट्रीज बीन। उसके बाद भीतरी का प्रयोग करेंगे, काटना की मीनिंग लिखेंगे भीतरी, कट कट कट, ऐसे तीनों फॉर्म जो है सेम होता है, कट कट कट। व्हाई हैड ग्रीन ट्रीज बीन कट, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, यानी इस तरह के वॉइस के जितने भी ट्रांसलेशन होते हैं, पैसिव वॉइस के ट्रांसलेशन, सभी में सब्जेक्ट स्वयं कोई भी काम नहीं करता बल्कि किसी और के द्वारा सब्जेक्ट पर ही कार्य किया जाता है, सब्जेक्ट पर ही दबाव डाला जाता है। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं, और भी लोमड़ी के द्वारा खरगोश का शिकार किया जा चुका था, इसमें क्रिया के अंत में जा चुका था लगा हुआ, शिकार करना क्रिया है, इसमें हमारा सब्जेक्ट है खरगोश। लोमड़ी के द्वारा, इसका काम लास्ट में करेंगे, इसमें द्वारा लगा हुआ, इसका काम लास्ट में करेंगे, हमारा सब्जेक्ट है खरगोश, तो यहां से बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे खरगोश की मीनिंग द रैबिट। इसके साथ हेड का प्रयोग करेंगे हेड, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, सभी में हेड बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद भीतरी का प्रयोग करेंगे, शिकार करना की मीनिंग लिखेंगे हंटेड। द रैबिट हैड बीन हंटेड, के द्वारा की मीनिंग लिखेंगे बाय, और लोमड़ी की मीनिंग लिखेंगे द फॉक्स। द रैबिट हैड बीन हंटेड बाय द फॉक्स, इस तरह बनाए, क्या लोमड़ी के द्वारा खरगोश का शिकार किया जा चुका था, इसमें क्या लगा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेड का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हेड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, हमारा सब्जेक्ट है खरगोश, यहां पर लिखेंगे द रैबिट। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे,
Had the rabbit been, उसके बाद भीतरी का प्रयोग करेंगे शिकार करना की मीनिंग लिखेंगे hunted. के द्वारा की मीनिंग लिखेंगे by. लोमड़ी की मीनिंग लिखेंगे the fox. क्वेश्चन मार्क दे देंगे. Had the rabbit been hunted by the fox, इस साथ बनाएंगे. राष्ट्रपति के द्वारा भाषण दिया जा चुका था. इसमें हमारा सब्जेक्ट है भाषण, ये हमारा सब्जेक्ट है. राष्ट्रपति के द्वारा इसका काम लास्ट में करेंगे, जिसमें द्वारा लगा रहा था उसका काम लास्ट में करेंगे. हमारा सब्जेक्ट है भाषण, यहां बनाएंगे. सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, भाषण की मीनिंग लिखेंगे द स्पीच. उसके बाद सभी के साथ हैड बीन का प्रयोग करेंगे हैड, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे हैड बीन. उसके बाद देना की मीनिंग लिखेंगे, भाषण देना की मीनिंग यहां पे लिखेंगे, भीतरी लगाएंगे डिलीवर्ड, DELIVERED. द स्पीच हैज बीन डिलीवर्ड, भाषण देना की मीनिंग लिखेंगे डिलीवर्ड, भीतरी लगा देंगे द स्पीच हैड बीन डिलीवर्ड. के द्वारा की मीनिंग लिखेंगे बाय. राष्ट्रपति की मीनिंग लिखेंगे प्रेसिडेंट, द लगा देंगे. द स्पीच हैड बीन डिलीवर्ड बाय द प्रेसिडेंट, इस साथ बनाएंगे. क्या राष्ट्रपति के द्वारा भाषण दिया जा चुका था, इसमें क्रिया के अंत में जा चुका था लगा हुआ, और भाषण देना क्रिया है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, हेड का प्रयोग करेंगे. उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है भाषण, ये हमारा सब्जेक्ट है, भाषण की मीनिंग लिखेंगे द स्पीच. उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे Had the speech been, उसके बाद भीतरी का प्रयोग करेंगे, भाषण देना की मीनिंग लिखेंगे delivered. Had the speech been delivered, के द्वारा की मीनिंग लिखते हैं by. राष्ट्रपति की मीनिंग लिखेंगे the president, PRESIDENT. Had the speech been delivered by the president, इस तरह बनाएं, क्वेश्चन मार्क दे देंगे. राष्ट्रपति के द्वारा भाषण क्यों दिया जा चुका था, यहाँ पे क्यों लगा हुआ है. तो इस तरह के बाकी में चालीस में अगर बीच में कब क्यों कहां कैसे क्या लगा रहे थे, यही शुरू करेंगे. क्यों की मीनिंग पहले लिखेंगे, हमारा सब्जेक्ट है भाषण, तो सबसे पहले क्यों की मीनिंग लिखेंगे why. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, हैड का प्रयोग कर देंगे हैड. उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे भाषण की मीनिंग द स्पीच. व्हाई हैड द स्पीच, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, बीन लगा देंगे. उसके बाद भीतरी का प्रयोग करेंगे देना, भाषण देना की मीनिंग लिखेंगे डिलीवर्ड, भीतरी लगा देंगे. व्हाई हैड द स्पीच बीन डिलीवर्ड, के द्वारा की मीनिंग लिखेंगे बाय. उसके बाद राष्ट्रपति की मीनिंग लिखेंगे द प्रेसिडेंट, PRESIDENT, प्रेसिडेंट, क्वेश्चन मार्क दे देंगे. Why had the speech been delivered by the president? यानी वॉइस के जितने भी ट्रांसलेशन होते हैं उसमें सब्जेक्ट स्वयं कोई भी काम नहीं करते हैं. इसमें हमारा सब्जेक्ट है भाषण, तो सब्जेक्ट किसी प्रकार कोई काम नहीं कर रहा, बल्कि किसी और के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा भाषण दिया जा चुका था. तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं और भी. चोर को गिरफ्तार किया जा चुका था, इसमें क्रिया के अंत में जा चुका था लगा हुआ है, और गिरफ्तार करना क्रिया है. सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे चोर, चोर की मीनिंग लिखेंगे द थीफ. उसके बाद हेडविन का प्रयोग करेंगे, सभी के साथ हेडविन का प्रयोग कर देंगे. यानी सब्जेक्ट के स्थान पे कुछ भी रहे, सभी के साथ हेडविन का ही प्रयोग करेंगे द थीफ हैड बीन. उसके बाद भीतरी का प्रयोग करेंगे, गिरफ्तार करना की मीनिंग लिखेंगे अरेस्टेड. द थीफ हैड बीन अरेस्टेड, इस तरह बनाएंगे. क्या चोर को गिरफ्तार किया जा चुका था, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस. सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, हेड को आगे कर देंगे हैड. उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे चोर की मीनिंग द थीफ, हेड द थीप. उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद भीतरी का प्रयोग करेंगे, गिरफ्तार करना के मीनिंग लिखेंगे अरेस्टेड. क्वेश्चन मार्क दे देंगे हेड द थीप बीन अरेस्टेड, इस तरह बनाएंगे.
यानी वॉइस के जितने भी ट्रांसलेशन होते हैं उसमें सब्जेक्ट स्वयं कोई भी काम नहीं करता। जैसे चोर को गिरफ्तार किया जा चुका था, इसमें हमारा सब्जेक्ट है चोर, इसमें सब्जेक्ट किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर रहा, किसी और के द्वारा पुलिस के द्वारा चोर को गिरफ्तार किया जा चुका था, यानी सब्जेक्ट पर ही दबाव डाला जा रहा है, सब्जेक्ट पर ही काम किया जा रहा है। चोर को गिरफ्तार कब किया जा चुका था, यहाँ पे कब लगा हुआ है, और इसमें हमारा सब्जेक्ट है चोर, इसमें भी सब्जेक्ट स्वयं कोई भी काम नहीं कर रहा, किसी और के द्वारा चोर को गिरफ्तार किया जा चुका था, यानी सब्जेक्ट पर ही दबाव डाला जा रहा है, सब्जेक्ट पर ही कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पे कब लगा हुआ है, तो यहाँ कब से शुरू करेंगे, हिज बनाएंगे, कब की मीनिंग लिखेंगे व्हेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैड, हेड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे चोर की मीनिंग द थीफ। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे बीन। उसके बाद भीतरी का प्रयोग करते गिरफ्तार करना की मीनिंग लिखेंगे अरेस्टेड। क्वेश्चन मार्क दे देंगे व्हेन हैड द थीफ बीन अरेस्टेड, इस तरह बनाएंगे। गाय को घास खिलाई जा चुकी थी, इसमें क्रिया के अंत में जा चुकी थी लगा हुआ है और खिलाना क्रिया है, इसमें हमारा सब्जेक्ट है गाय, यहां बनाएंगे सब्जेक्ट लिखेंगे गाय की मीनिंग द काउ। उसके बाद हेडबिन का प्रयोग करेंगे सभी के साथ, हेडबिन का प्रयोग कर देंगे, सब्जेक्ट कुछ भी रहे सभी के साथ हेडबिन लगा देंगे। उसके बाद भीतरी का प्रयोग करेंगे खिलाना की मीनिंग लिखेंगे फीड फेड फेड, भीतरी लगा देंगे फेड, द काउ हैड बीन फेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट या द वर्ड, घास की मीनिंग लिखेंगे ग्रास, द काउ हैड बीन फेड ग्रास, दस बनाएंगे। गाय को घास क्यों खिलाई जा चुकी थी, यहाँ पे क्यों लगा हुआ है और क्रिया के अंत में जा चुकी थी लगा हुआ, खिलाना क्रिया है। तो इस तरह के वाक्य में ट्रांसलेशन में अगर बीच में कब क्यों कहां क्या कैसे लगा रहे हैं, यहीं से बनाएंगे पहले क्यों की मीनिंग लिखेंगे, यहां से बनाएंगे क्यों की मीनिंग लिखेंगे व्हाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे हेड लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे गाय की मीनिंग द काउ। उसके बाद बीन का प्रयोग करते हैं व्हाई हैड द काउ बीन। उसके बाद खिलाना की मीनिंग लिखेंगे फीड फेड फेड, भीतरी लगा देंगे फेड। उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट या दर्ड, घास की मीनिंग लिखेंगे ग्रास, क्वेश्चन मार्क दे देंगे व्हाई हैड द काउ बीन फेड ग्रास, तरह बनाएंगे। तो चलिए बच्चों आगे और भी एग्जांपल देखते हैं बहुत सारा। मोना के द्वारा हल्कू को गाली दी जा चुकी थी, इसमें क्रिया के अंत में जा चुकी थी लगा हुआ और गाली देना क्रिया है, इसमें हमारा सब्जेक्ट है हल्कू, ये हमारा सब्जेक्ट है। मोना के द्वारा इसका काम लास्ट में करेंगे, इसमें द्वारा लगा रहेगा उसका काम लास्ट में करेंगे, हमारा सब्जेक्ट है हल्कू, यहां बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हल्कू। उसके बाद सभी के साथ हेडबिन का प्रयोग करेंगे हेड बीन। उसके बाद भीतरी का प्रयोग करेंगे गाली देना के मीनिंग लिखेंगे अब्यूज, भीतरी लगा देंगे हल्कू हैड बीन अब्यूज्ड। के द्वारा की मीनिंग लिखते हैं बाय। उसके बाद लिखेंगे मोना हल्कू हैड बीन अब्यूज्ड बाय मोना, इस तरह बनाएंगे। क्या मोना के द्वारा हल्कू को गाली दी जा चुकी थी, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव संदेश, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, हमारा सब्जेक्ट है हल्कू, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे हल्कू। उसके बाद बीन का प्रयोग करते हैं बीन, हैड हल्कू बीन। उसके बाद भीतरी का प्रयोग करेंगे गाली देना की मीनिंग लिखेंगे अब्यूज्ड। के द्वारा की मीनिंग लिखते हैं बाय। उसके बाद लिखेंगे मोना, क्वेश्चन मार्क दे देंगे हैड हल्कू बीन अब्यूज्ड बाय मोना, इस तरह बनाएंगे। बच्चों के द्वारा किताब फाड़ी जा चुकी थी, इसमें क्रिया के अंत में जा चुकी थी लगा हुआ, फाड़ना क्रिया है। बच्चों के द्वारा इसका काम लास्ट में करेंगे, हमारा सब्जेक्ट है किताब, यानी इस तरह के जितने भी ट्रांसलेशन होते हैं वॉइस के उसमें सब्जेक्ट किसी प्रकार का कोई काम नहीं करते, इसमें हमारा सब्जेक्ट है किताब, तो सब्जेक्ट किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर रहा, किसी और के द्वारा बच्चों के द्वारा किताबें फाड़ी जा चुकी थी, यानी सब्जेक्ट किसी प्रकार कोई काम नहीं करता है, तो हमारा सब्जेक्ट है किताब, यहां लिखेंगे द बुक। उसके बाद हेडबिन का प्रयोग करेंगे सभी के साथ, हेडबिन का प्रयोग कर देंगे।
उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, फार्मूला की मीनिंग लिखेंगे टीयर टोर टोन, यहाँ V3 लगाएंगे टोन, TORN टोन, द बुक हैड बीन टोन, के द्वारा की मीनिंग लिखते हैं बाय, उसके बाद बच्चों की मीनिंग लिखेंगे चिल्ड्रेन, द बुक हैड बीन टोन बाय चिल्ड्रेन, इस बनाएंगे। क्या सीता के द्वारा एक गीत गाई जा चुकी थी, इसमें क्रिया के अंत में जा चुकी थी लगा हुआ और गाना क्रिया है, इसमें हमारा सब्जेक्ट है एक गीत हमारा सब्जेक्ट है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हेल्पिंग भाव का प्रयोग करेंगे, हेड लगाएंगे हेड, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे एक गीत की मीनिंग लिखेंगे ए सॉन्ग, उसके बाद बीन का प्रयोग करते हैं बीन, उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, गाना की मीनिंग लिखेंगे सिंग सेंग संग, यहाँ V3 लगाएंगे संग, उसके बाद के द्वारा की मीनिंग लिखते हैं बाय, उसके बाद लिखेंगे सीता, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, हैड ए सॉन्ग बीन संग बाय सीता, इस तरह बनाएंगे। सीता के द्वारा एक गीत क्यों गाई जा चुकी थी, यहाँ पे क्यों लगा हुआ है, इसमें क्रिया के अंत में जा चुकी थी लगा हुआ और गाना क्रिया है, सीता के द्वारा ऐसा काम लास्ट में करेंगे, हमारा सब्जेक्ट है एक गीत, यहाँ पे क्यों लगाओ, इस तरह के ट्रांसलेशन में अगर बीच में कब क्यों कहां कैसे क्या लगा रहे थे, इस बनाए पहले क्यों की मीनिंग लिखेंगे व्हाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेड का प्रयोग करेंगे व्हाई हेड, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है एक गीत की मीनिंग लिखेंगे ए सॉन्ग, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, गाना की मीनिंग लिखेंगे सिंग सेंग संग, यहाँ V3 लगाएंगे संग, Why had a song been sung? के द्वारा की मीनिंग लिखेंगे बाय, उसके बाद लिखेंगे सीता, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, Why had a song been sung by सीता, इस तरह बनाएंगे। यानी वॉइस के जितने भी पैसिव वॉइस के ट्रांसलेशन होते हैं उसमें सब्जेक्ट किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं करते हैं, इसमें सब्जेक्ट है किताब, इसमें सब्जेक्ट है हल्कू, यानी सब्जेक्ट किसी प्रकार का कोई काम नहीं करते, जैसे इसमें सब्जेक्ट है एक गीत, इसमें सब्जेक्ट किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर रहे बल्कि किसी और के द्वारा सीता के द्वारा एक गीत गाई जा चुकी थी, यानी सब्जेक्ट पर ही दबाव डाला जाता है, सब्जेक्ट पर ही कार्य किया जाता है। और बच्चों हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद बच्चों को सही शिक्षा देना है, ना कि किसी किस्म का व्यापार करना। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं।